खबर मिल रही है रांची से, जहां खलारी में 1.59 एकड़ भूमि बेच दी गई। बड़ी बात यह कि सरकारी भूमि बेच दी गई। खलारी अंचल के बुकबुका गांव में खाता संख्या 4 के प्लॉट संख्या 46.57 और 58 का ये जमीन का टुकड़ा फिलहाल मामला अंचल अधिकारी के पास पहुंचा है और अंचल अधिकारी ने एक साथ 30 साल की रसीद काट दी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 2 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। विशेष सचिव और अवर सचिव मामले की जांच करेंगे। 15 जनवरी 2021 तक जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के हाथों बेचने का यह एक और मामला सामने आया है। अंचलाधिकारी द्वारा 30 साल की रसीद एक साथ काट दिए जाने की शिकायत सामने आई है। राजेश हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जमीन के काले कारोबार में जितना खोदा जा रहा है उतने काले कारनामे निकलकर सामने आ रहे हैं। ये एक और मामला सामने आया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ा ही गंभीर मामला है, क्योंकि सरकारी भूमि जो 1.59 एकड़ की है उसे बेच दी गई और जमाबंदी भी खोल दी गई और 30 साल की रसीद एक साथ अंचलाधिकारी ने खोल बना दी है। तो ये लग रहा है पूरी तरह से कथित ऐसा हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं मूली भगत है और सरकारी अधिकारी और किसी भूमि माफिया के बीच। तो इसकी जांच कराने का निर्णय लिया गया है और ये शिकायत मिलने के बाद 2 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है, जिसमें विशेष सचिव के तौर पर चंद्रमोहन कश्यप रहेंगे और अवर सचिव सुनील कुमार रहेंगे। ये सभी अधिकारियों से कर्मचारियों से स्थल का मुआयना करके पूरी जांच रिपोर्ट 15 जनवरी तक देंगे। और ये मामला है बुकबुका गांव का, जहां पर खाता संख्या 4 पर 46, 57 और 58 नंबर प्लॉट का ये मामला है। कुल रकबा जो है 1.59 एकड़ का है। तो ये गंभीर मामला है, जिस प्रकार से हम लोगों ने ये मुहिम चला रखी है, एक से एक मामले सामने आ रहे हैं और विभाग भी सक्रिय हुआ है। कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो विभाग उसकी जांच कराने के पीछे नहीं हट रहा है। तो इससे पहले देवघर का मामला आया, आज ही ये बात आई है, उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। अभी ये ताजा मामला ये आया है कि खलारी अंचल में बुकबुका गांव में जो सरकारी भूमि बेच दी गई है उसकी जांच होगी और तत्पश्चात कार्रवाई होगी। जी, धन्यवाद राजेश इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो जांच होगी, 15 जनवरी तक जांच रिपोर्ट देनी है। 2 सदस्यीय टीम जो गठित की गई है जांच के लिए उसे, और फिर कार्रवाई भी।